FIS हॉकी लीग में इंडिया के दोनों मैचेस खत्म हो गए हैं और दोनों मैचेस को इंडिया ने जीत लिया है। पहले मैच में इंडिया ने फ्रांस को 5-0 से हराया, जबकि दूसरे मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 10-2 से हराया। इंडिया को अभी दो मैचेस और खेलने हैं, जो इंडिया 12 और 13 तारीख को साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैचेस साउथ अफ्रीका के शहर पोचेस्टरूम में खेले जाएंगे। ये बहुत खतरनाक नाम है यार, इसमें से तो तीन नाम निकल जाएंगे, पोर्ट, शेफ, रूम, तीन नाम, चौथा भी निकल जाएगा, छह। वैसे फिलहाल इस लीग में नेदरलैंड और बेल्जियम चार चार मैचेस खेलकर फर्स्ट और सेकंड में बने हुए हैं, जबकि इंडिया ने दो मैचेस खेले हैं और इंडिया तीसरे नंबर पर काबिज है। पिछली बार इंडिया ने फ्रांस को 5-0 से हराया था, इस बार देखते हैं फ्रांस कैसा खेलता है, क्योंकि पिछले मैच में फ्रांस ने नेदरलैंड को कड़ा टक्कर दिया था। फ्रांस और नेदरलैंड का पिछला मैच 2-2 के बराबरी पर खत्म हुआ था, पर बाद में नेदरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में मैच को जीत लिया था। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।